दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है इंस्पेक्टर मनोज और खतरनाक योजना पार्ट टू। यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पार्ट वन में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। इंस्पेक्टर मनोज का फोल्डर है उसके अंदर, तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। हा, वह वही दिल्ली वाला चूहा इंस्पेक्टर मनोज है ना? हूँ। तभी मैं कहूँ कि इतनी शीघ्र खुदाई दोबारा कैसे शुरू होगी? खैर, निपट लिया जाएगा उस चूहे से भी, लेकिन जनरल वह बहुत खतरनाक है। हा, क्या तुम्हें हमारी शक्ति पर भरोसा नहीं? तुम निश्चिंत तो होकर अपना काम जारी रखो, सब ठीक हो जाएगा, अब जाओ। नंबर सिक्स के जाने के पश्चात जनरल ने अपनी मेज के ऊपर लगे एक टीवी स्क्रीन को बटन दबाकर प्रकाशमान किया। शीघ्र ही विशाल स्क्रीन पर एक युवती का चेहरा उभरा। 11 मिस सुल्ताना, पर्वत पर खुदाई फिर से आरंभ हो गई है। अरे इतनी जल्दी? ओ समझी, यह सब उस शहरी इंस्पेक्टर मनोज के इशारे पर हुआ होगा। आप निश्चिंत रहे जनरल, मैं उन सबका खून पी जाऊंगी, वे मेरे जादू से बच न सकेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उधर खुदाई सतल पर काम करने वाले पुलिस वालों को रात बीतने के साथ साथ प्रेत सुंदरी का भय सताने लगा था। यह दिल्ली वाला इंस्पेक्टर में भी ले डूबेगा। आखिर प्रेत पिशाचों के समक्ष हम क्या कर सकेंगे? पर क्या करें भाई, सरकारी नौकर है इसलिए मजबूर होकर यह कार्य कर रहे हैं। और फिर वह वक्त भी आया जिसका इंस्पेक्टर मनोज को बेताबी से इंतजार था। प्यासी है धरती, प्यासा आकाश, प्यासी हूं मैं, आ जाओ आ जाओ। बाप रे, प्रेतनी का गीत! ओ गॉड, हमारी रक्षा करना। काम जारी रखो, मेरे यहां से जाने के पश्चात कोई भी शैतान से बाहर नहीं निकलेगा, वरना अपनी मौत का वह खुद जिम्मेदार होगा। आ जाओ। ठीक है सर, ऐसा ही होगा, मगर यह आवाज, उफ, हमें यह आवाज अपनी ओर खींच रही है। हम स्वयं को बेबस से महसूस कर रहे हैं। इंस्पेक्टर मनोज को पहले से आभास था कि प्रेतनी अपनी सम्मोहित कर देने वाली आवाज से ही अपने शिकार को करीब बुला लेती है, अतः इस स्थिति से निपटने के लिए वह पूरी तरह तैयार होकर आया था। अब वह आवाज तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मनोज ने हाथ में थमे टेप रिकॉर्ड का बटन दबाया। अगले पल मधुर संगीत खंडर में गूंजने लगा। साथी हाथ बढ़ाना साथी, यह मधुर संगीत तुम्हारा मनोरंजन करेगा, लेकिन मेरी चेतावनी तुम्हें हर हाल में याद रखनी है, किसी को भी खंडर से बाहर नहीं निकलना है, समझ गए? हवलदार वीर बहादुर, तुम मेरे साथ आओ। यस सर। शीघ्र ही वह जो कोई भी इसी खंडर में, पहले तुम भीतर जाओ। मैं रहम करो सर, मैं अपनी जोरू का इकलौता पति, यकीन करो तुम्हारी जोरू विद्वानी होगी। फिर आज तुम्हें यह भी साबित करना है कि तुम्हारा नाम वीर बहादुर सिंह है। ओ ऐसी बात है, तो अभी भीतर जाकर उसी चुटिया पकड़कर बाहर खींच लाता हूं उसे। सुनो, वह खतरनाक जादू करनी है, उसकी आंखों में झांकने का प्रयास न करना, वरना उसके सम्मान में बंध जाओगे, इसलिए सावधानी से भीतर जाओ। आप तो मुझे डरा रहे हैं सर, खैर नसीब का लिखा कौन टाल सकता है, खुदा हाफिज। फिर कुछ देर चलते रहने के पश्चात, आओ मेरे करीब आओ, देखो मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ, लेकिन तुम आए भी तो अकेले। वो शायद यह वही चुड़ैल है। लेकिन जैसे उसकी नजरें उस युवती की नजरों से टकराई, बाप रे कितना तीव्र प्रकाश है इसकी आंखों में। लेकिन यह मैंने क्या किया? इस इंस्पेक्टर मनोज ने मना भी किया था इसकी आंखों में देखने के लिए। उफ, अब मुझ में प्रतिरोध की भावना खत्म होती जा रही है और मेरे कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आओ मेरी बाहों में आओ। अचानक, उफ, सांप सांप, बचाओ बचाओ। हा, क्या कहने प्रेतनी जी, प्रेतनी होकर भी आप एक साधारण से सांप से डर गई। अरे सांप बचाओ। मगर जैसे वे बाहर आई, खबरदार प्रेतनी जी, भागने की चेष्टा की तो गोली तुम्हारी खोपड़ी में धस जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी खोपड़ी बुलेट प्रूफ कवच न होने के कारण असुरक्षित है। तो तुम इंस्पेक्टर मनोज? ठीक पहचाना प्रयत्नी जी, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। भलाई इसमें है कि स्वयं को कानून के हवाले कर दो। भागने की कोशिश तुम्हारे लिए जानलेवा सिद्ध होगी, क्योंकि मेरा निशाना सदैव चूक रहा है। मगर तभी उस प्रयत्नी ने जबरदस्त स्फूर्ति दिखाते हुए अपने वस्त्रों से कोई वस्तु निकाली और अगले पल एक विस्फोट के साथ वातावरण धुएं से भर गया। ओह धोखा! कुछ देर बाद हवलदार भी वहां पहुंच गया। उस ओर ही गई है वह,
उसके पक्ष ने मेरा मार्गदर्शन करेंगे। उधर अपराधियों के अड्डे पर इस बार मैं नाकाम रही। जनरल क्या भक्ति हो, जानते हो तुम्हारी असफलता से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। प्लीज जनरल यह सब बातें बाद में कीजिएगा। इंस्पेक्टर मनोज मेरे पीछे लगाए और वह किसी भी समय यहाँ पहुंच सकता है। ओ खैर, उससे मैं समय निपटूंगा। तुम जाओ 11। इधर इंस्पेक्टर मनोज उसके पद चिन्हों का पीछा करता हुआ काफी दूर निकल आया था। अचानक, अरे यह क्या, कदाचित घास फूस और पत्तों से ढकी है जमीन दलदल है। मुझे जानबूझकर पद चिन्हों का फरेब देकर इस दलदल में फंसाया गया है। मौत को करीब देखकर इंस्पेक्टर मनोज का मस्तिष्क तेजी से क्रियाशील हो उठा। कुछ जीवन रक्षक सामग्री इंस्पेक्टर मनोज के पास हमेशा मौजूद रहती थी। अतः मनोज ने रस्सी का फंदा बनाकर पास के एक पेड़ की शाख की ओर उछाल दिया। भगवान का शुक्र है कि पहली बार में फंदा शाख में फंस गया। अब बाहर निकलना चाहिए। वह दलदल के गड्ढे से बाहर निकल ही रहा था कि दो इंसानी हाथों ने उसे सहारा दिया। बाबा तुम, शुक्रिया, कदाचित तुम इस दलदल में फंस गए थे, बाहर निकल आओ बेटा। कहीं यह बूढ़ा उस प्रेत टेंट पार्टी का एक सदस्य तो नहीं, और अपनी योजना को असफल होते देख दिखावे के लिए मेरी मदद को आ पहुंचाओ किसी नई चाल के तहत, क्या समझा जाए इसे, दोस्त या दुश्मन? क्या सोच रहे हो बेटा, क्या क्यों तुम उस खतरनाक प्रेतनी से टकराते हो? वापिस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बूढ़े द्वारा वापिस लौट जाने की सलाह दिए जाने पर इंस्पेक्टर मनोज चौंका। यकीनन यह भी दुश्मनों का साथी है। हाँ बेटे, तुम नहीं जानते कि तुम किस प्रकार के खतरों से खेल रहे हो। शायद तुम भी ही नहीं जानते बाबा, खतरों से खेलना मेरा स्वभाव है। मेरा नाम इंस्पेक्टर मनोज है। मैं विक्रमपुर इसलिए आया हूँ कि यहाँ भय और आतंक का जो वातावरण बना हुआ है उसे दूर कर सकूं। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उसके साथ ही इंस्पेक्टर मनोज चौंक पड़ा। तुम्हारी दाढ़ी नकली है, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम वही शख्स हो जिसने कल रात में जिन बनकर टरने की चेष्टा की थी। ओह, मैं रहस्य खुल जाने पर वह बूढ़ा तेजी से एक और दौड़ा। खबरदार, अगर एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो गोली तुम्हारे जिस्म को बिंध जाएगी। इंस्पेक्टर मनोज, मैंने बहुत कोशिश की कि तुमसे टकराव न होने पाए, मगर अब मजबूरी है। जरा अपने चेहरे और देखो तो। ओ, हाथ ऊपर उठा लो इंस्पेक्टर, इसी में तुम्हारी भलाई है। ओ तो प्रेत लीला का नाटक तुम्हारे तुम्हारा ही रचा हुआ है। हा, जब तुम्हें मर जाना इंस्पेक्टर, इसलिए यह रहस्य खोल रहा हूं। वह नाटक मैंने किया रचा है। कृपया कर मरने वाले की एक ख्वाहिश और पूरी कर दो, ताकि मरते वक्त मेरे मन में कोई मलाल न रह जाए। आखिर इस प्रेत लीला को रचने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मरते वक्त क्यों हैरान होना चाहते हो इंस्पेक्टर? खैर, हम तुम्हें लिए चल रहे हैं। उस स्थान को देखकर तुम स्वयं ही हमारे उद्देश्य का अनुमान लगा लोगे। अचानक एक विचार मनोज के दिमाग में कूदा। कहीं तुम पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं? मनोज की बात सुनते बूढ़े ने अपनी अपनी नकली दाढ़ी मूछे और ऊपरी लिबास उतार दिया। अगले पल वह एक सैनिक अफसर नजर आने लगा। वेल इंस्पेक्टर, यही है मेरा वास्तविक रूप। तुम अकेले नहीं बल्कि तुम्हारा सारा मुल्क हैरान रह जाएगा अगर इत्तेफाक से उसे पता चल जाए कि विक्रम पर्वत पर हम क्या कर रहे हैं। अब चलो हमारे साथ। इंस्पेक्टर मनोज निर्विरोध उनके साथ चल दिया, किंतु अभी वह कुछ ही कदम चल सके थे कि अचानक धोए धोए, ओह ओह। इससे पहले कि इंस्पेक्टर मनोज कुछ समझ पाता, पेड़ों की आड़ में आड़ से दर्जन भर भारतीय सिपाही, जिनमें सब इंस्पेक्टर विजय और हवलदार वीर बहादुर सिंह भी था, अपनी कार्यवाही की सफलता पर खुशी से चीखते हुए बाहर निकल आए। रहे, हमने सभी को मार गिराया सर। हवलदार वीर बहादुर के होते भला कोई आपको हर कर ले जा सकता सर? देखिए, सालों की लाशें बिछा दी, अब तो मानते ही हैं सर कि मेरा नाम वीर बहादुर सिंह एकदम सार्थक है। तुम बेवकूफ हवलदार, किस गधे के आदेश पर यह फायरिंग की तुमने? अपनी मूर्खता से सारे सूत्र खत्म कर डाले तुमने। सूत्र? हाँ सूत्र, वरना मैं चाहता तो क्या अकेला ही उनका प्रतिकार नहीं कर सकता था, मगर मैंने जानबूझकर शम को गिरफ्तार हो जाने दिया, ताकि मैं उनके ठिकाने पर पहुंचकर देख सकता कि ये विदेशी यहाँ कौन सा गुप्त मिशन चला रहे हैं। लेकिन तुमने मेरी समस्त योजना विफल कर दी। तभी आह, ओह, वह जिंदा है।
तुम्हें कुराने पाक की कसम, सच सच बताओ, पर्वत पर तुम्हारा कौन सा गुप्त मिशन चल रहा है? ओह इंस्पेक्टर, मैं और उस बूढ़े ने दम तोड़ दिया। इंस्पेक्टर मनोज इस असफलता पर अपने आप को बेहद मायूस महसूस करने लगा। अचानक एक विचार दिमाग में आते ही इंस्पेक्टर मनोज चौंका। खुदाई करने वाले शेष सिपाही कहाँ हैं? उन्हें पता चल गया था कि वह रहस्यमय प्रेतनी आपसे डरकर भाग गई है, अतः वे स्वयं टेप रिकॉर्डर के मधुर संगीत का आनंद ले रहे हैं। ओह वे निहत्थे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही इस वक्त यहाँ खड़े हैं। तुमने मेरे एक और आदेश की अवहेलना की है, तुरंत वापस लौटो, कदाचित उनका जीवन खतरे में है। इंस्पेक्टर मनोज के शब्दों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और उसी क्षण वे सब वापिस खुदाई स्थल की ओर दौड़े। वही वह जिसका डर था, जिस खंड में खुदाई चल रही थी वहां 8 सिपाही मजदूरों के बेस में काम कर रहे थे और इस समय उन 8ों की लाशें वहां वहां पड़ी थी। ओ गॉड, 8 हत्याएं और! हे ईश्वर, यह सब क्या है? कब तक चलेगा यह सिलसिला? अचानक गुस्से की अधिकता से इंस्पेक्टर मनोज का चेहरा बेहद भयानक हो उठा। मैं आ रहा हूं नर पिशाचो, भारत की धरती को तुमने रक्त रंजित कर डाला है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, तुम्हारे नापाक इरादे कभी पूरे न हो सकेंगे। फिर इंस्पेक्टर मनोज अंधेरे में दौड़ता चला गया। लाशें उठाने का प्रबंध करवाओ सब इंस्पेक्टर। हाँ, उधर अपराधियों के अड्डे पर जनरल विक्रम पर्वत पर खुदाई की विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने है। हम अपने मिशन में कामयाब रहे, बस आपके इशारे की देर है। हमारी फौजें भी आक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयार है। वेल मेजर रशीद, मैं तुम लोगों के काम से बेहद खुश हूँ। अगर विक्रमपुर हमारे मुल्क के अधिकार में आ जाए तो हमारा मुल्क भी संसार के सर्वाधिक विकसित देशों की पंक्ति में आ खड़ा हो। इस बार हम पर भारत भारत पर जबरदस्त आक्रमण करेंगे और इस क्षेत्र को जीत लेंगे। मेजर जनरल जनाब अहमद दिखाई नहीं दे रहे, इस बारे में आपको मैं बताती हूँ जनरल। अभी कुछ देर पूर्व मिस्टर अहमद की इंस्पेक्टर के सिपाहियों से झड़प हो गई थी और उस लड़ाई में वह जन्नत नसीब हो गए। ओह, परंतु जनरल मैं उनकी मौत का बदला ले आई हूँ। उन्होंने हमारे 4 आदमी मारे थे, मैंने अभी भी खंडरों में उनके 8 सिपाहियों को मौत की नींद सुला दिया है। अहमद की मौत का हमें अफसोस है, मगर जंग में तो यह सब चलता ही है। परंतु हम इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी भूमिका नहीं भूल सकते सुल्ताना बेगम। तुमने प्रेतनी बनकर जो दहशत इस क्षेत्र में फैलाई है, दरअसल वही हमारी सफलता का सबसे बड़ा बड़ा कारण है। यह इलाका सुनसान हो गया, पर्वत पर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कराई जा रही खुदाई बंद हो गई, जिससे हमारा मिशन धड़ल्ले से चल रहा है। फिर जनरल उन्हें जरूरी हिदायतें देने लगा। इधर इंस्पेक्टर मनोज ने दोबारा उस स्थान पर पहुंचकर दुश्मन के मर्द सिपाही की तलाशी ली। इस तलाशी में बूढ़े की जेब से उसे एक ऐसा सूत्र मिला कि वह चौंक पड़ा। हे ईश्वर, भारत की धरती पर इतना जबरदस्त षड्यंत्र! साधारण सी प्रेत लीला के पीछे इतना जबरदस्त षड्यंत्र हो सकता है, सोचा भी नहीं जा सकता। अगर 24 घंटे के भीतर भीतर कोई कारगर उपाय न किया गया तो भारत पर जबरदस्त आक्रमण होगा और विक्रमपुर दुश्मन के कब्जे में चला जाएगा। लेकिन नहीं, मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तभी दुश्मन के कुछ वर्दीधारी सैनिक अपने साथियों की लाशें उठाने वहां आ पहुंचे। हैंड्स अप इंस्पेक्टर, तो तुम अगर फिलहाल मरना नहीं चाहते तो हमारे साथ चलो। यदि इंस्पेक्टर मनोज चाहता तो आसानी से उनसे निपट सकता था, मगर वह तो स्वयं ही गिरफ्तार होकर शत्रु के सदर मुकाम तक पहुंचना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। लेकिन कोई भी यह देख वह समझ नहीं सका था कि इंस्पेक्टर मनोज चलता हुआ अपने जूते की एडी को विशिष्ट प्रकार से दाएं बाएं घुमाकर चल रहा था, जिससे नरम मिट्टी पर विचित्र प्रकार के निशान पड़ रहे थे। दरअसल यह निशान एक प्रकार के गुप्त संकेत थे, जिन्हें हवलदार वीर बहादुर बखूबी समझ सकता था। काफी देर तक चलने के पश्चात, अब रुको इंस्पेक्टर, जिस स्थान पर वे सभी रुके थे वह पत्थरों का बना एक बड़ा सा चबूतरा था। उन्होंने एक बटन दबाया और उसके और वह प्लेटफॉर्म नीचे धसने लगा। इंस्पेक्टर मनोज, तुम जैसा मूर्ख व्यक्ति हमने नहीं देखा, यह जानते हुए भी कि इस क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा कब्जा है, तुम
हमारे आदमियों की लाशों के पास अकेले खड़े थे। अपनी इस भूल की तो इस समय सजा भुगतने जा रहा हूं मैं। वैसे अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो तुमने विक्रम पर्वत सहित समस्त विक्रमपुर को भीतर ही भीतर खोद कर खोखला कर दिया है। क्यों? तुम्हारा विचार से है इंस्पेक्टर, लेकिन जानते हो हमने यह खुदाई क्यों करवाई है? वह चबूतरा सैकड़ों फीट नीचे जाकर धरातल पर टिक गया। इंस्पेक्टर मनोज उस जगह को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जमीन के नीचे पूरा एक नगर आबाद था। सैकड़ों मजदूर जगह जगह खुदाई करते दिखाई दिए। कुछ एक से शीशे के कैबिन भी वहां बने हुए थे, जिनमें कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर विभिन्न प्रकार से मिट्टी के नमूने लेकर कोई खास प्रयोग कर रहे थे। कदाचित विक्रमपुर की धरती के गर्भ में यूरेनियम का विशाल भंडार है। क्या मैंने गलत कहा? अरे नहीं, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? इस कागज से काश हमारी सरकार को एहसास होता कि उनकी देश की धरती में दफन अनमोल खजाने को हमारा खोटी नीयत वाला पड़ोसी लूट रहा है। ओह, कदाचित यह डॉक्यूमेंट में मेजर जनरल अहमद की तलाशी लेने पर मिला होगा। खैर, जब तक तुम्हारी सरकार को इस बात का पता चलेगा, तब तक इस अनमोल खजाने पर हमारे मुल्क का कब्जा होगा। वह देखो इंस्पेक्टर, उस शीशे के कैबिन को, वह उस श्रेणी का यूरेनियम है जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने विक्रमपुरी की खुदाई में निकाला है। उसकी कीमत अरबों डॉलर है। सभी अभी खरबों का यूरेनियम और निकाला जा सकता है। तुम्हारी सरकार को तो सपने में भी गुमान नहीं होगा कि विक्रमपुर नाम के छोटे से भूमि के टुकड़े के गर्भ में यूरेनियम का इतना विशाल भंडार हो सकता है। तुम्हारी सरकार अपनी भूमि में दफन प्रकृति के अपार खजाने से आंखें मूंदे बैठी है। हाँ, तुम्हारी सरकार ने जब इस क्षेत्र में खुदाई करवाई तो हम सबको संदेह हुआ था कि यहाँ यूरेनियम होने की भनक उसे लग चुकी है। मगर जब तुम्हारी सरकार द्वारा कराई गई खुदाई का कारण हमें पता चला तो हंसते हंसते हमारे पेट में बल पड़ गए। तुम्हारा पुरातत्व विभाग इस क्षेत्र में खुदाई इसलिए करवा रहा था कि उसे उम्मीद थी कि वह किसी गुप्त प्राचीन सभ्यता के बारे में संसार को जानकारी दे सकेगा। बहरहाल, हमारे पुरातत्व विभाग द्वारा करवाई जाने वाली खुदाई तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती थी। हो सकता था कि तुम्हारा भांडा ही फूट जाता, इसलिए तुमने प्रेत सुंदी का आतंक फैलाकर तथा अनगिनत हत्याएं करवाकर उस खुदाई को रुकवा दिया। इस प्रकार तुम्हारा प्रोजेक्ट अथवा मिशन धड़ल्ले से चलता रहा और आज तुम 100% सफल हुए हो और इस अमूल्य भूमि को पाने के लिए भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हो। वाह, बहुत खूब। अगर यह बातें तुम्हारे अनुमान से कही हैं तो हम कहेंगे कि अनुमान लगाने में तुम्हारा जवाब नहीं इंस्पेक्टर। अच्छा, बाई और चलो। इंस्पेक्टर, जल्दी तुम्हारी मुलाकात हमारे जनरल से होगी। सगरी सैनिक मनोज को लेकर जनरल के कमरे में पहुंचे। सर, हम अपने साथियों की लाशें ले आए हैं, साथ ही इंस्पेक्टर भी हमारे हाथ लगाए। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो इंस्पेक्टर, तो इसी वक्त इस्लाम धर्म धर्म ग्रहण कर लो और अपनी सेवाएं हमारे मुल्क को समर्पित कर दो। हम तुम्हें जीवन की वह सुख सुविधा और शान मुहैया कराएंगे जो इस दुनिया में उपलब्ध है। धन्यवाद जनरल, यह काम तो शायद तभी संभव हो सकता है जब तुम आत्महत्या कर लो। लेकिन आत्महत्या करने से पहले यह भी अच्छी तरह से सोच लेना कि एक सच्चा हिंदुस्तानी मुल्क के साथ कभी गद्दारी नहीं करता। ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। इसकी तकदीर का फैसला हम शाम को करेंगे। इधर पुलिस चौकी में बैठा हवलदार वीर बहादुर सिंह अचानक चौंक पड़ा। वह अपने मस्तिष्क में एक झनझनाहट सी महसूस कर रहा था। अपने मस्तिष्क को उसने केंद्रित किया तो उसे इंस्पेक्टर मनोज के निर्देश स्पष्ट सुनाई देने लगे। यह अचानक तुम्हें क्या हुआ हवलदार वीर बहादुर? इंस्पेक्टर मनोज ने मुझे एक गुप्त संदेश भेजा है। गुप्त संदेश? मगर किस माध्यम से? क्या तुम्हारे पास कोई वायरलेस सेट वगैरह है? ओ नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इंस्पेक्टर मनोज टेलीपैथी विद्या के भी ज्ञाता हैं। वे दुनिया के किसी भी हिस्से से मुझसे संपर्क स्थापित कर अपनी बात कर सकते हैं। उनके टेलीपैथी संदेशों को मेरा मस्तिष्क आसानी से ग्रहण कर लेता है। सचमुच इंस्पेक्टर मनोज इंसान नहीं, अजूबा है। उन्होंने तुम्हें क्या संदेश भेजा है? वैसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरे साथ विक्रमपुर सैनिक छावनी में चलिए। देश पर आक्रमण होने वाला है, सेनाओं का अलर्ट होना बहुत जरूरी है। मैं समझा नहीं वीर बहादुर, कौन सा देश हमारे देश पर आक्रमण करने वाला है?
वो समय नष्ट मत कीजिए मिस्टर विजय, कदाचित इंस्पेक्टर मनोज की जान भी खतरे में है, जल्दी से जीप निकलवाइए। फिर विजय ने और कोई प्रश्न नहीं किया और जल्दी से जाकर जीप बाहर निकाल लाया। और अगले पल जीप तेज रफ्तार से दौड़ते विक्रमपुर सैनिक छावनी की ओर जाने लगी। उधर कैद किए जाने के करीब 1.5 घंटे पश्चात इंस्पेक्टर मनोज ने अंदाजा लगा लिया कि भारतीय फौज हवलदार वीर बहादुर के सहयोग से उसके जूते की एडियो द्वारा बनाए गए विचित्र संकेतों का अनुसरण कर दुश्मन के सदर मुकाम की घेराबंदी कर चुकी होगी। अब मुझे हरकत में आ जाना चाहिए। क्या गिलास पानी मिलेगा भाई? प्यास से गले में कांटे से पड़ गए हैं। हा, पहले इस्लाम धर्म ग्रहण करो इंस्पेक्टर, पानी बाद में मिलेगा। अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ, मुझे अपने जनरल के पास ले चलो। हा, अब आए रास्ते पर, मूर्ख जरा बाहर तो निकलने दे, फिर बताऊंगा कि धर्म और माँ बाप कैसे बदले जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर मनोज को 3 सैनिकों की सुरक्षा में बाहर निकाला गया और अगले पल ढूम तड़ाक ठक शोर सुनकर आसपास खड़े सुरक्षाकर्मी भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। लेकिन तब तक मनोज के हाथ में बेहोश हुए एक सैनिक की स्टेनगन आ चुकी थी। अतः तर 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 ओह, कुछ ही देर बाद, अगर चाहते हो कि मौत का यह नंगा नाच बंद हो जाए तो ईमानदारी से अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। सैनिक तुरंत अपने हथियार फेंककर दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो गए। इधर जनरल शहीद दुश्मन के आला सैनिक अफसर अपनी विजय के उपलक्ष्य में जश्न में व्यस्त थे, जाम से जाम टकराए जा रहे थे। सुल्ताना बेगम साकी बनी पिला रही थी, तभी उनके रंग में भंग पड़ा। जनरल जनरल, हम तबाह हो गए। इंस्पेक्टर मनोज ने समस्त प्रोजेक्ट सतल पर अपना कब्जा कर हमारे सिपाहियों से आत्मसमर्पण करवा लिया है। और बाहर से खबर आई कि हजारों भारतीय सैनिकों ने हमारे सदर मुकाम को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या बकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों भाई महफिल वालों, कैसा हो सकता है? अजी हुजूर, यह क्या यह बकता है? भला इंस्पेक्टर मनोज की क्या बिसात जो ऐसा कर सके। तभी ऐसा ही हुआ शराबियों, तुम चारों से भारतीय सेनाओं से गिर चुके हो। अगर आत्मसमर्पण करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं फायरिंग आरंभ कर रहा हूं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं इंस्पेक्टर, इन्हें छोड़ दो, हम सब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ओह, ये आप अप्रयत्नी जी, ए खबरदार, मैं जानता हूं कि तुम सब मन विद्या की ज्ञाता हो, पर मुझ पर तुम्हारा यह जादू नहीं चल सकेगा। पीछे हटो और हाथ उठाकर दीवार की ओर मुंह करके खड़ी हो जाओ। ठीक उसी समय वह चबूतर धरातल पर आकर टिका और अनेक भारतीय सैनिक वहां पहुंच गए। हवलदार वीर बहादुर सिंह भी उनके साथ था। बधाई हो सर, आपने दुश्मन के खतरनाक षड्यंत्र का बांडा फोड़ कर दिया है। बाहर अपनी सेना तैयार खड़ी है। और इस प्रकार भारतीय सेना ने समस्त क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। यूरेनियम का विशाल भंडार भी सुरक्षित कर लिया। दुश्मन के सभी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन के अखबारों में प्रेत लीला के पीछे छिपे रहस्य को उजागर किया तो प्रत्येक देशवासी आश्चर्यचकित रह गया। इंस्पेक्टर मनोज का साहसी कारनामा, विदेशी षड्यंत्र का भंडाफोड़, प्रेत लीला की आड़ में खतरनाक योजना। सर्वत्र इंस्पेक्टर मनोज की प्रशंसा हुई। इतनी बड़ी तादाद में यूरेनियम जैसे पदार्थ की प्राप्ति पर प्रत्येक देशवासी रोमांचित था। समाप्त। तो दोस्तों, एक कॉमिक यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।